breaking news. पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल महानगर अध्यक्ष रामकिशन शुक्ला के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मान करते हुए कहा, होली का त्योहार आने वाला है, मिलावटखोर खानपान के पदार्थों में मिलावट कर रहे हैं, उन पर अंकुश लगाया जाए। वही महिला इकाई की महानगर अध्यक्ष राशि पाराशरी एडवोकेट ने बताया कि हमने जिलाधिकारी से शिकायत की है कि मिलावटखोरों पर जल्द से जल्द अंकुश लगाया जाए। उपाध्यक्ष इमालदा परवीन ने बताया जिस जगह मिलावट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशि पाराशरी एडवोकेट है। तो आज ये जिला कलेक्ट्रेट पे आज किस मांग को लेकर आप आए हुए हैं? आज हम लोग, जैसा कि होली आ रही है तो ये आपका तेल है, खोया है और जितने भी पदार्थ हैं, ये आपके जो केमिकल युक्त गुलाल रंग वगैरह आ रहे हैं, उसके संदर्भ में हम माननीय डीएम जी को ज्ञापन देने आए हैं कि ऐसे व्यापारियों पर सख्ती से कार्यवाही की जाए और इसको बंद किया जाए। ठीक है, कोई और संदेश देना चाहती हैं त्यौहार पे? हाँ, मैं त्यौहार पर यही सबको सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि आप होली को मनाएं, उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और उन चीज़ों से बचें जो केमिकल युक्त हैं या खाद्य पदार्थ हैं, उनका थोड़ा सा जांच पड़ताल करते ही यूज करें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, जरा लौट के ले लीजिए। हाँ, चलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमालदा परवीन है और मैं व्यापार संघ की उपाध्यक्ष हूँ। जी, तो आज किस मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पे आप आई हुई हैं? जी, हमारी आज हम आए हैं माननीय डीएम जी के पास। ये जो मिलावट की जा रही है और इससे लोगों में गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, तो उन लोगों के कुछ खिलाफ हमें कार्रवाई चाहिए है और हम चाहते हैं कि डीएम साहब, जैसे तेल है, खोया है, मिठाई है और गुलाल है, इसमें केमिकल्स की मिलावट की जा रही है जिससे लोग बीमार हो रहे हैं, तो उस पर डीएम साहब कुछ कार्रवाई करें और इन लोगों को थोड़ा सा अपना देश सराहना दें, अपना शासन दें कि हाथ से कार्रवाई करी जाए। ठीक है, मैं यहाँ व्यापार मंडल का महानगर अध्यक्ष हूँ। देखिए, होली का त्यौहार है और बड़ा खेद का विषय है कि जिस तरीके से मिलावटखोर लोग जहाँ मिठाइयों में मिलावट कर रहे हैं, गुलाल इस समय बिक रहा है वो हर्बल होना चाहिए, तो उसमें भी मिलावट करके और इस समय बाज़ारों में उतर आया है, जो बहुत ही दुखद बात है, जो आम जनमानस के शरीर पर जब लगेगा तो वो उससे त्वचा रोग होंगे। इसके अतिरिक्त आज हम डीएम महोदय से मिलने आए थे और हमने रिक्वेस्ट की कि जिस तरीके से सरसों के तेल में पीला कलर, केमिकल रंग मिलाया जा रहा है, जो कि आज हमारे साथ हमारे महिला अध्यक्ष और टीम भी हैं जिनके रसोई तक वो पहुंच रहा है, छोटे छोटे बच्चों को नुकसान दे है, तो इन चीज़ों को लेकर आज हमने बताया डीएम महोदय को कि जिस तरीके से मैदा है, खोया है, इस तक की मिलावट हो रही है, गगन और डालडा घी जो अगर शुद्ध भी आ रहा है तो उसके अंदर घटतौली हो रही, 400 ग्राम एक किलो में कम दिया जा रहा है, यही शिकायत आज हम लेकर आए थे। सिटी मजिस्ट्रेट साहब मिले, उनको हमने पूरी बात बताई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जांच करा के सख्त कार्रवाई करेंगे।